क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज की फिजिक्स फाउंडेशन क्लास में बोस थ्योरम उसके अनुप्रयोग का जो लास्ट पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टू डेरिवेशन हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है जो आप क्लास है उसको है केयरफुली अटेंड करिए तथा जो भी आपके डाउट जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वो सब फेसबुक और आप टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आप जो है अपने नोटबुक में इनको लिखते रहिए। आपके पास यदि नोट्स कंप्लीट नहीं है तो, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है वो इजी वे में है और ये आपके नोट्स का भी काम करेगी, खासकर ट्वेल्थ बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि गोस थ्योरम जो है वो आने ही वाली है। उसकी एप्लीकेशन जो है वो 3-4 मार्क्स में हमेशा आती है, 100% आती है और इस बार भी पूरा पूरा आने का चांसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए डिस्कस करते हैं हम। आज पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अब ये संचित ऊर्जा का क्या मतलब है और ये विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र मैंने बता रखा है आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें वो किसी दूसरे पे बल लगा सके अपनी रेंज में, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी भी आवेश के चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आ जाए तो ये उसमें बल लगा दे, क्योंकि इसकी रेंज में आ गया है तो वही विद्युत क्षेत्र उसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा मतलब कभी कभी स्थिर ऊर्जा भी आ जाता है या स्थिर विद्युत ऊर्जा भी आ जाता है, तो एक ही बात। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक गोलाकार चालक है, ये मेरे पास एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या है r। ध्यान से देखना, इसको मैंने भी कोई आवेश नहीं दे रखा है, इसमें कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई आवेश नहीं, अनचार्ज कंडीशन में। अब देखो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया इसके ऊपर बाहर की तरफ विद्युत बल कार्य करने लग गया। प्रीवियस क्लास में हमने उसकी डेरिवेशन निकाली कि विद्युत बल क्या होता है। विद्युत बल किसी भी चालक को आवेश देने पर ऑटोमेटिक लगने वाला फोर्स है, एक तरीके से वो हमेशा बाहर की तरफ ही लगता है, वो इन सभी पॉइंट्स को बाहर की ओर इस तरह फैलाने का प्रयास करता है। ठीक है, विद्युत बल सभी पॉइंटों पर बाहर की ओर लगता है। अब देखो तो उस विद्युत दाब का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। विद्युत दाब काम कर रहा है उसका डायरेक्शन बाहर की ओर है क्योंकि हमने इसको चार्ज कर दिया है। चार्ज करते ही किसी भी चालक की सतह पर ये लगने लग जाता है, वो भी किधर? बाहर की तरफ। आप देखो दाब लग रहा है तो बल भी लगेगा और बल बराबर हमेशा होता है दबाव इनटू क्षेत्रफल, दाब इनटू क्षेत्रफल। विद्युत दाब का फॉर्मूला ये है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन क्षेत्रफल। इस गोलाकार चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस आर त्रिज्या का है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके लगने वाले बल का फॉर्मूला है। बल किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। अब देखना, लेकिन मुझे इसको और चार्ज देना है क्योंकि मैं जितने ज्यादा चार्ज दूंगा उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र बढ़ाने के लिए, या मैं कह दूं चार्ज बढ़ाने के लिए मुझे इस पर और चार्ज लगाना पड़ेंगे। तो जब मैं इसको और आवेशित करने की कोशिश करूंगा तो जो बाहर के साइड बल लग रहा है ये विद्युत दाब वाला बल, ये मेरे को आने नहीं देगा, ये मेरे सामने से एक्ट करेगा तो मुझे इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो मैं काम करूंगा वही इसके अंदर स्थिर विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में संचित हो सकता हो जाएगा। स्थिर विद्युत ऊर्जा बोलो या फिर स्थितिज ऊर्जा बोलो। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमेशा क्या क्या कार्य स्थिर विद्युत ऊर्जा में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, वो हमेशा संरक्षित बलों के लिए होता है। संरक्षित बल वो होते हैं जिनमें क्या क्या कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, ये हमारा चुंबकीय बल हुआ या विद्युत बल हुआ, इनमें हम जब कार्य करते हैं तो पथ पर निर्भर नहीं करता है। एक होता है असंरक्षित बल, असंरक्षित बल वो होते हैं जिनमें क्या क्या कार्य जो है वो पथ पर निर्भर करता है, जैसे सयान बल हुआ, घर्षण बल हुआ। घर्षण बल में देखो स्मूथ है सरफेस तो घर्षण बल कम लगेगा तो हम काम आसानी से कर लेंगे, और यदि सरफेस रफ है ना, खुरदरा है तो उस पर जो घर्षण बल लगेगा वो ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। आगे मेरी बात समझ में? तो संरक्षित बल है ये, तो संरक्षित बलों में किया गया कार्य हमेशा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो देखो मुझे इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ये मेरे आवेश को लाने नहीं देगा, पर्टिकुलर से करेगा ना, एक तरीके से कह दूं तो मैं इस बल के विरुद्ध कार्य करूंगा। जब मैं इस बल के विरुद्ध कार्य करूंगा तो कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा, मैं लिख देता हूं कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब कार्य dW, बल कितना हुआ F। बात करते हैं विस्थापन की, विस्थापन तो मैंने आपको बताया ही। अब देखिए जब मैं कार्य करूंगा इस पे तो मैं सामने से बल लगाऊंगा, ये इधर से बल लगाएगा, मैं सामने से बल लगाऊंगा, मुझे इसको आवेश देना है तो मैं और जोर से बल लगा के इसके ऊपर आवेश लेके आऊंगा।
तो ये जो गोले चालक है ये सिकुड़ जाएगा, इसका आयतन जो है वो कम हो जाएगा, तो ये इधर से सिकुड़ गया इतना, ठीक है, संपीड़ित हो जाएगा, कितना, यहां से यहां तक है डी आर, ये डी आर संपीड़ित हो गया तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई, आर माइनस डी आर, ठीक है। तो विस्थापन कितना हुआ आपकी बार, डी आर को मैं यहां पे लिख देता हूं, बल इनटू विस्थापन मतलब डी आर, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, ये मैंने कार्य कर दिया। अब देखो जब मैंने यहां विद्युत क्षेत्र बनाया या मैं कह दू आवेश बनाया, तो ये जो गोले चालक संपीड़ित हो गया, आकार में छोटा हो गया, संपीड़ित होने की वजह से इसके आयतन में कमी आ गई, छोटा हुआ ना तो इसके आयतन में कमी आ गई, वो आयतन में कमी क्या है, तो देखो मैं लिख देता हूं संपीड़न के कारण आयतन में कमी, आयतन में कमी डीवी बराबर, अब आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई बोलो ऊंचाई बोलो जो भी, तो देखो क्षेत्रफल और कितना ये कम हो गया है, तो इसका क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, विस्थापन माइनस डीआर, तो इसका क्षेत्रफल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर और विस्थापन डीआर, तो ये इसके आयतन में कमी आ गई, क्षेत्रफल इंटू दूरी जो होता है वही विस्थापन होता है, ठीक है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी कह सकते हैं, जिस मैनर में बात की जाए उसी मैनर में हम आयतन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखो इसका मतलब मैं डी डब्ल्यू कैसे लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, आयतन में कमी है तो मैं आर स्क्वायर डी। अब देखो मैंने अभी कहा था यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो जब संचित हो रहा है इसका मतलब कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, तो देखो मैं लिख सकता हूं सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डी, ये आगे ये कुल ऊर्जा, लेकिन हमें क्या चाहिए एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन मतलब कुल ऊर्जा में आयतन का भाग दो तो एकांक आयतन में ऊर्जा आएगी, तो मुझे तो चाहिए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, हमेशा ध्यान रखना एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, तो डीयू बटा डीवी, देखो इस डीवी को मैंने नीचे ले आया हूं इसके, तो मेरे पास बन गया है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन, ये जो ऊर्जा घनत्व इसको लिखा जाता है यू वी, और ये बन गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन, यू के नीचे छोटा सा वी, इसका मतलब होता है एकांक आयतन में संचित होता है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जब मैंने आवेशित चालक के सतह पर बल को बढ़ाया था कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन को यह भी लिखा जा सकता है हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन, आप प्रीवियस क्लास के नोट देखना या प्रीवियस क्लास का वीडियो देखना, उसमें मैंने ये प्रूफ भी कर रखा है। अगर मेरी बात समझ में, तो ये संचित ऊर्जा के फॉर्मूले हो गए, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो है यहाँ से नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये इजी लैंग्वेज में, इससे इजी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है नोट से यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में है, इससे इजी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लास्ट टॉपिक है और गोस थ्योरम का भी लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे कि गोस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो क्लास स्टार्ट की थी उस समय भी बोला था। तो आज का लास्ट टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, ठीक है, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, साबुन का बुलबुला जब आवेशित हो तब क्या हो, उसका संतुलन जब हो तो किस तरह की कंडीशन पैदा होने वाली है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उस पर आवेश कितना होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये साबुन का एक बुलबुला है, कुछ स्टूडेंट जो इधर उधर पढ़ चुके उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी थोड़ा ध्यान से देखे सुन लीजिए, इस पर अंदर के साइड से जो दबाव लगता है मैं उसको लिख देता हूँ पी इन, एक दबाव बाहर की साइड से लगता है तो इसको लिख देता हूँ पी आउट, हाँ इसके अलावा एक बल और कार्य करता है इस पर तनाव, तनाव जो है वो इसकी आकृति को गोल बनाए रखने का प्रयास करता है, तनाव ऐसा बल है जो इसकी आकृति को एक निश्चित इसका जो क्षेत्रफल है उसको न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, बारिश की बूंद जो है और हवा का जो बुलबुला है, साबुन का जो बुलबुला है, इनका बोल होने का कारण जो है वो प्रस्त नाम ही है, खूब सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये उससे भी, ठीक है, अपने पी इन हमेशा पी आउट से ज्यादा होता है, तो पी इन पी आउट से जितना ज्यादा होता है उसको बोलते हैं पी एस,
एक्सेस मतलब दाब आधिक्य। तो देखो दाब आधिक्य का फॉर्मूला होता है साबुन के बुलबुले पर 40/R। ठीक है, जिन बच्चों को ये नहीं पता है वो 11th क्लास आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप फेसबुक और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसका लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप मुझे वहाँ कह सकते हैं, मैं आपको इसकी भी क्लास पढ़ा दूंगा कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, फिलहाल वर्ग में हमारे इतना सा ये, बाकी सारा पार्ट जो है वो 11th में है, तो आप 11th की बुक भी देख सकते हैं। ठीक है, वरना आप मुझे कह देना, मैं आपको जो है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आप देखिए अब ये चार्ज नहीं है, जब मैं इसको चार्ज दे दूं तो इसके ऊपर एक दाब और काम करेगा, कौन सा? विद्युत दाब, जिसका डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर होता है। अब दो दाब हो गए, एक अंदर से ये पी इन में से पी आउट बिठाने के बाद जो गुजरा है वो भी तो बाहर ही लगेगा, ये ज्यादा ये कम है, ज्यादा में से कम बताएंगे तो बाहर की तरफ भी डायरेक्शन आएगा, एक पी ई है तो दो हो गया, तो दो हो गए, तो पी ई प्लस पी एक्सेस इक्वल टू 40/R। ठीक है, अब देखो मैं इसमें चार्ज दिए जाता हूँ, दिया जाता हूँ और मेरी मर्जी से चार्ज बढ़ाया जाता हूँ बढ़ाया जाता हूँ, तो एक कंडीशन ऐसी आती है चार्ज बढ़ाते रहने से दाब आधिक्य घटता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि दाब आधिक्य जीरो हो जाता है, इसको हम बोलते हैं संतुलन स्थिति। जब ज्यादा चार्ज दे देता हूँ तो चार्ज देने से दाब आधिक्य घटता है, धीरे 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 एक ऐसी कंडीशन आती है कि दाब आधिक्य कितना हो जाता है? जीरो, और बुलबुला फूट जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूँ, जैसे ही दाब आधिक्य जीरो आता है बुलबुला फूट जाता है। ठीक है, इसका मतलब उस संतुलन स्थिति की बात करें तो बुलबुला फूटने ही वाला है उस समय, उस समय हमारे पास पी एक्सेस इज इक्वल टू होता है 40/R, पी ई इक्वल टू होता है 40/R, पी ई जो हमारा विद्युत दाब है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अभी पहले पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, देखिए प्रीवियस टॉपिक जो था मैं लिख सकता हूँ 40/R। यहाँ से मैं बुलबुले की त्रिज्या का सूत्र निकाल सकता हूँ, तो बुलबुले की जो त्रिज्या होगी उसके लिए देखो आर का मान जो आर इज इक्वल टू स्क्वायर ले लो 8t एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे आया सिग्मा स्क्वायर, तो ये हो गया त्रिज्या का फॉर्मूला। मुझे चाहिए साबुन के बुलबुले पर आवेश, तो देखो इस सिग्मा को लिख सकता हूँ मैं क्यू अपॉन है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, इसको इधर ले जाता हूँ इधर बन गया 8t एप्सिलॉन/R। क्यू स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने देता हूँ 8t एप्सिलॉन/R लिख देता हूँ, एक को मैं यहाँ लेके जाऊंगा, लेकिन बुलबुला तो गोल है और गोल के लिए क्षेत्रफल होता है 4πr² तो यहाँ पे पूरे पे आ जाएगा स्क्वायर, इस एक की वैल्यू है जो इधर जाने के बाद दिखी जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्यू स्क्वायर 8t एप्सिलॉन/R, 8t एप्सिलॉन/R मल्टीप्लाई में 4πr² तो मैं स्क्वायर से लिख देता हूँ, 4πr² अलग और r² स्क्वायर, इसको अलग और इसको अलग लिख दिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे वही सूत्र बनाना है, वही फॉर्मूला डिराइव करना है जो आपके बुक में दे रखा है, वरना मैं दूसरा ढूंढूंगा तो आप कहोगे सर ने तो दूसरा डिराइव कर दिया है। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8t एप्सिलॉन/R इंटू 4π² r^4, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8t एप्सिलॉन/4π² जैसे ही मैं यहाँ से देखो स्क्वायर हटाऊंगा इधर रूट आएगा, तो q इक्वल टू 4π तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा 8t एप्सिलॉन, तो ये जो है वो चार्ज का फॉर्मूला आ गया है। आगे में एक बात समझ में, तो स्टूडेंट्स ये जो डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, गॉस थ्योरम और उसके अनुप्रयोग जो है वो कंप्लीट हो गए आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है हम उसके जो न्यूमेरिकल से उन पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप जो है सारी क्लास को अटेंड कर लो, और अटेंड करने के बाद सारे वीडियो जब आप देख लोगे तो आपको जो है सारे जो भी अनुप्रयोग हो उन सबके फॉर्मूलाज आ जाएंगे, उनकी डेरिवेशन आ जाएगी, तो न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल लाने वाला हूँ टफ से टफ और इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसान न्यूमेरिकल है वो तो आप उससे खुद ही कर लोगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपका स्टैंडर्ड बढ़े, इतना बढ़े कि आपको जो फिजिक्स है वो बहुत अच्छे से है, किसी भी एग्जाम में आपको दोबारा कोचिंग करने की जरूरत ना पड़े और कोचिंग में पैसे वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की डेरिवेशन हो गई है, मिलते हैं नई क्लास में नए ट्रिक के साथ में, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ में और नए न्यूमेरिकल के साथ में। हाय स्टूडेंट्स,
ये वीडियो भी आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जाए हमारे इस क्लास के वीडियो से उनका भी फायदा होता रहे, साथ ही साथ मैं भी मोटिवेट होता रहूं और मैं भी नए नए वीडियोज आपको लाता रहूं जो फुल कॉन्सेप्ट से भरे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको भी मजा आए और मुझे भी मजा आए। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जो आपका जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब जब वीडियो अपलोड होता रहे। मैं आपका एग्जाम से पहले कोर्स पूरा करवाऊंगा, साथ ही रिविजन भी कराऊंगा, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी डिस्कस करेंगे हम अलग से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, तो आप भी लगिए साथ में, मेहनत करिए। स्टूडेंट्स मिलते हैं नई क्लास में, नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन।